का भी परिचय। मित्रों, आपने कभी भजन में कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा। कबीर के दोहे बहुत ही चोटदार है, आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्या डंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल बातों का निचोड़ है। उनके बारे में इतना जानिए। नाम अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। मित्रों, कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में जीवन की सही बातों को उजागर करने का प्रयास देखने को मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। इकाई 5, दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। समझूती। यहां कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु व्यक्ति भूखा न जाए। यहां कबीर जी ने लोभी मनुष्यों पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निर्वाह हो सके। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। समझूती। यहां कबीर जी कहते हैं जो बिना सोचे विचारे काम करता है वो बाद में पछताता है। वह व्यक्ति खुद का काम बिगाड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र बन जाता है, अर्थात लोग उस पर हंसते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझूती। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूं, सभी लोग सुखी रहे इसके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी किसी से न तो दोस्ती है और न दुश्मनी है। रहिमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। समझूती। यहां रहीम जी कहते हैं वे लोग मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने वाला मनुष्य जीवित होकर भी मृत है, लेकिन उनसे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। जो रहिम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। समझूती। यहां पर रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संग कभी भी असर नहीं कर सकता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। समझूती। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा भी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपए है। आवत ही हरेश नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी वाहन जाइए कंचन बरसे मेघ। समझूती। यहां तुलसी जी कहते हैं कि हमें उस जगह अर्थात घर कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां किसी के आने से हृदय में आनंद न हो और आंखों में प्रेम अर्थात स्नेह न हो, भले ही वहां पर सोने की बारिश हो रही हो। विद्या धन उद्यम बिना काहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्योंक पंखा को पौन। समझूती। यहां तुलसी जी जीवन में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम सच्ची मेहनत के बिना कौन विद्या पा सकता है। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखा भी हवा अर्थात पवन नहीं देता,